हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर जॉन मार्शल एंड हिज रोल इन इंडियन आर्कियोलॉजी। सर जॉन मार्शल जो थे वो बहुत ही फेमस और एक फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर आए थे इन 1924। इसे याद रखना है कि वो डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इन 1924। ओके, उनका जो टेन्योर था उसमें उन्होंने बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं इंडियन आर्कियोलॉजी में। व्हाट दे ही डिड, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए इंडियन आर्कियोलॉजी में। उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस था वो उन्होंने ग्रीस और क्रेट से लिया था, यहाँ पे उन्होंने वर्क किया था और वहाँ से वो अपना वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया लेकर के आए थे। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने इंडिया में एक डिस्कवरी की। 20th सेंचुरी में उनके आने से पहले से ही एक्सकेवेशन का वर्क चल रहा था और कुछ ऐसे सील्स एंड आर्टिफिक्स मिले थे जो ये रिवील कर रहा था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो और पीछे जाने वाली है। ओके, तो जितना हमें हम जितना सोचते हैं अर्ली हिस्ट्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड को, उससे पुराना होने वाला था। और इसीलिए उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस एरिया में और भी एक्सकेवेशन होने चाहिए और उनके लीडरशिप और इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया। 1921 एंड 1922 में भी एक्सकेवेशन हुए थे इस एरियाज में। सबसे इम्पॉर्टेंट है दयाराम साहनी का नाम। इन्होंने हड़प्पा जो साइट है उसको एक्सकेवेट किया, उसे ढूंढ निकाला, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो साइट को एक्सकेवेट किया और इसके बारे में अवेयर करवाया वर्ल्ड को। ओके, एंड यही रीज़न है कि हम देखते हैं कि जो न्यू डिस्कवरी हुई थी साइट की, जिसे हम इंडस वैली कहते हैं, इसको सर जॉन मार्शल ने अनाउंस कर दिया। ईयर याद रखना है, ईयर था 1924। ये सेम ईयर है जब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एज अ डायरेक्टर जनरल आए थे। ओके, सेम ईयर है 1924। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब आता है कि वो उन्होंने क्या किया था, उनका जो पैटर्न था वो क्या था। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्पेक्टेकुलर फाइंड्स के लिए। वो जानना चाहते थे पैटर्न्स को कि किस तरीके से जो वहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनका डेली लाइफ क्या था, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो अर्बन सेंटर में रहते थे, उनका टाउन प्लानिंग कैसा था, उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ क्या थी, वो इस बारे में और जानना चाहते थे। लेकिन सर जॉन मार्शल ने एक गड़बड़ कर दी। उन्होंने हॉरिजॉन्टल यूनिट के अकॉर्डिंग तो एक्सकेवेशन किया, यूनिफॉर्मली ही किया, बट वी फाउंड दैट कि उनका जो एक्सकेवेशन था वो उसमें उन्होंने इग्नोर किया था स्ट्रेटिग्राफी सिस्टम को। स्ट्रेटिग्राफी सिस्टम क्या होता है, जिसमें लेयर बाय लेयर जो है वो एक्सकेवेशन किया जाता है और जो जो लेयर है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, वेल, स्ट्रेटिग्राफी सिस्टम को जब उन्होंने इग्नोर किया तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई। तो स्ट्रेटिग्राफी सिस्टम को इग्नोर करने की वजह से वी सॉ कि जो भी ग्राउंड में उन्हें मिला, जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में उनको जो सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, ओके, वो क्या हुआ, वो पूरा एक ही ग्रुप में शामिल हो गया। ओके, मतलब जो भी निकल रहा था साइट से वो सब एक ही ग्रुप में उन्होंने रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से बहुत सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे हाथों से निकल गई और उसे हम लोगों ने परमानेंटली खो दिया। ओके, तो हमें उस एरिया के बारे में वो जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो सील और बीड्स और बोन्स और अदर जो चीज़ें हमें मिली थी, उनको हम लोगों ने खो दिया। वेल, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सर जॉन मार्शल के आंसर्स को लिखो तो उसमें आप एस एन रॉय का नाम ज़रूर मेंशन करो और साथ साथ में उनके बुक का नाम,
जो है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इस बुक में सर जॉन मार्शल ने लिखा के बारे में एस एन रॉय ने लिखा है कि सर जॉन मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर ही है देन ही हैड फाउंड हर। ओके, तो ये जो लाइन है मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये पॉइंट को जरूर मेंशन करना है आपको आंसर्स में। वेल, जो आप ये जो नेक्स्ट साइट है इसमें आप देख सकते हैं एक मॉन्ड एरिया दिखाया जा रहा है और इसमें ये जो पैटर्न है ये स्ट्रैटिग्राफी सिस्टम को डिनोट करता है। ओके, ये जो लेयर्स आप देख रहे हैं, वेल हम यहाँ पे देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है तो यू कैन सी कि इसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर्स जो हैं वो भी शामिल हो जा रहे हैं, दो लेयर्स जो हैं वो शामिल होते जा रहे हैं। तो ऐसे में स्ट्रैटिग्राफी सिस्टम को ना ध्यान रखना और इसकी वजह से जो मेन मेन साइट्स हैं वो खो जा रही है, मतलब एक साथ दो तीन लेयर्स जो हैं वो मिल जाने की वजह से स्ट्रैटिग्राफी सिस्टम जो है वो इग्नोर हो रहा है। ओके, यहाँ पे अलग अलग ये जो नंबर्स मैं जो क्लिक कर रही हूँ ये शो कर रहे हैं कि ये अलग अलग लेयर्स जो है अलग अलग टाइम पीरियड को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन एक ही एरियाज में एक लेयर वाइज लेयर एक्सकेवेशन करने की वजह से स्ट्रैटिग्राफी सिस्टम को इग्नोर किया गया। हमारे पास एक और इमेज है जो कि इसी को डिनोट कर रही है, वी कैन सी। ओके, यहाँ पे भी स्ट्रैटिग्राफी सिस्टम जो है वो शो किया जा रहा है लेयर वाइज लेयर, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बने हुए हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है इसमें यू नो एक्सकेवेशन किए जाने की वजह से स्ट्रैटिग्राफी सिस्टम जो है वो इग्नोर हुआ। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स वेरी केयरफुली। ओके, और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी और लर्न द पॉइंट्स प्रॉपरली। थैंक यू सो मच बच्चों।